चार साल में कार डबल जी, आप सभी की तरह पहले मां भी सोचता है कैसे बेहूदी बात है, चार साल में कैसे कार डबल हो सकती है, बट यू नो मुझे सीक्रेट ट्रिक मिली। जी हाँ, आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। क्या आप जानना चाहोगे क्या सीक्रेट ट्रिक है? वो सीक्रेट ट्रिक है पॉकेट फ्रेंडली। जी हाँ, पॉकेट फ्रेंडली। अब आधे लोग गालियाँ दे रहे होंगे, अबे रुको यार, थोड़ा रुको, जब इतना पेशेंस रखा थोड़ा और रखो। पॉकेट फ्रेंडली एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इससे आप दूसरी कार ला सकते हो, वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। इसे समझने के लिए हमें इससे रिलेटेड चार पार्ट्स और समझ लेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा कार। तो हमने कार कौन सी चूज़ की है एंड क्यों की है। कार हमने चूज़ की है टाटा की नेक्सन। ये हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिक मॉडल भी मिलता है एंड आपको इसमें डीजल एंड पेट्रोल मॉडल भी मिलता है। नंबर टू, हमने कौन से मॉडल चूज़ किए हैं। हमने दोनों गाड़ियों में बेस मॉडल यूज़ किया, टाटा नेक्सन ईवी में XM, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 14,70,000 रुपये। वहीं टाटा नेक्सन पेट्रोल XM वर्जन बेबी बेस मॉडल है, इसकी ऑन रोड प्राइस है 9,14,000 रुपये। नाउ सेकेंड चीज़, हमने चूज़ क्यों किए हैं, बिकॉज पेट्रोल एंड जो ईवी इलेक्ट्रिक, इन दोनों की पावर आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है। ईवी की है आपको मिलती है 127 BHP, वहीं पेट्रोल की मिलती है 118 BHP, इसलिए हमने दोनों मॉडल को चूज़ किया है। नंबर थ्री, बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये तो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ सिंपल सा, इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल व्हीकल में नया क्या है। जी नहीं, इसमें नया ये है कि आप एक बार इन सभी चीज़ों को समझो, देन आप खुद ही से देखोगे कि कैसे आप एक अलग से नई कार और ले सकते हैं। जी हाँ, आप हमेशा सिर्फ शॉर्टकट में मत जाइए, उसको थोड़ा प्रोसेस को समझिए। एक बार टाइम लगता है, देन आपको हमेशा जिंदगी भर ये फायदा देती है। नंबर वन, पॉकेट फ्रेंडली, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर टू, इको फ्रेंडली। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा है। नंबर थ्री, लो मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल की लो मेंटेनेंस बहुत कम होती है। नंबर फोर, क्वालिटी परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिलती है, साइलेंट इंजन होता है। नंबर फाइव, फीचर्स लोडेड गाड़ी होती है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एंड फ्यूचरिस्टिक आपको फीचर्स मिलते हैं। नंबर फोर, इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। नंबर वन, एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। नंबर टू, लो रेंज होती है, बस थोड़ी दूर तक ही जा सकते हैं। नंबर थ्री, चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है आपके पास। नंबर फोर, बैटरी का एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा रहता है जब आपको चेंज करनी पड़ती है 5-6 साल बाद। नंबर फाइव, चार्जिंग के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, बट इस कार में आपको थोड़ा टाइम लगता है, अराउंड 2-3 आवर्स लगते हैं आपको नॉर्मली। तो अब आप सब लोग बोल भी रहे होंगे, भाई बता भी दे यार, कितना कंपेरिजन करेगा, क्या है सीक्रेट ट्रिक। तो हाँ, अब टाइम आ गया सीक्रेट ट्रिक का रिवील करने का। तो वो सीक्रेट ट्रिक है पॉकेट फ्रेंडली। तो आइए अब हम समझाता हूँ कैसे है पॉकेट फ्रेंडली। अब आप सपोज करो कि आप डेली 300 किलोमीटर चलते हैं, तो इस तरह 4 साल का हो जाता है आपका 4,38,000 किलोमीटर। अब ईवी की बात करें तो वो देती है आपको 312 की रेंज, एंड पेट्रोल की बात करें तो देती है आपको 20 की एवरेज। सो ईवी से ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको चाहिए 1403 यूनिट, मतलब इतनी बार चार्ज करना पड़ेगा आपको गाड़ी को। एंड वहीं पेट्रोल के लिए आपको देना पड़ेगा 21,900 लीटर तेल। अब पेट्रोल का प्राइस है 90 रुपीज़, एंड ईवी का जो एक बार फुल चार्ज करने का प्राइस आता है वो आता है 198 रुपीज़। सो ईवी से ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 2,77,000 रुपये, एंड वहीं पेट्रोल से ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 19,70,000 रुपये। सो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो आपका आ जाता है ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए। अगर आप इन दोनों की प्राइस का डिफरेंस देखें, ईवी एंड पेट्रोल को ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आते हैं। अगर आप वो 5 लाख रुपए भी निकाल दें तब भी आपके पास 11 लाख रुपए बचते हैं। उन 11 लाख रुपए से आप एक और कार खरीद सकते हैं। सो जी हाँ, ऐसे आप एक कार से दो कार बना सकते हैं 4 साल के अंदर। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूनिट, तो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को।